मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तीसरे साल इसमें फिर भाग ले रही हूँ और 16वां साल है अदरवाइज ख़जाना का। और ये बहुत ही अच्छा इवेंट होता है, ये इवेंट से ज़्यादा ये एक फेस्टिवल बनता जा रहा है जहाँ पे गज़ल, शायरी, आर्टिस्ट सबको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इट्स द स्पिरिट दैट वी सेलिब्रेट, और उस बहाने नए, सीनियर, यंग सबके साथ कलाकारों से मिलना होता है। इस बहाने हम अपनी तैयारी करते हैं और जो इस कार्यक्रम से जितना भी टिकट सेल होके जो भी पैसे आते हैं वो एक बहुत ही नोबल कॉज के लिए जाते हैं। तो वो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज, तो एक के उसमें हम दो चीज़ें अपने साथ जुड़ जाते हैं, दो चीज़ों के साथ, और अपनी पर्सनल ग्रोथ भी होती है और आप अपने छोटे से जो भी मेरे हैसियत है उसके हिसाब से एज एन आर्टिस्ट हम उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो व्हाट बेटर देन दैट। जब शुरू किया था ख़ज़ाना तो ये नहीं सोचा था कि ख़ज़ाना की शक्ल आगे चल के क्या होगी, ख़ज़ाना कैसा होगा और लोगों का क्या रिस्पॉन्स होगा। लेकिन हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि ख़ज़ाना जो पहले साल शुरू हुआ तो ऐसे ख़जाना जो है वो भरता गया है ख़जाने का कि हम इतने बड़े से बड़े होते जा रहे हैं। तो 16वें साल में ये है कि ख़ज़ाना बहुत ही बड़ा हो गया है, ख़ज़ाना जो है उसके लिए लोग इंतज़ार करते हैं साल भर, और ख़ज़ाना में कितने नए कलाकार जुड़ते गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ख़ज़ाना जो है वो सही में गज़लों का ख़ज़ाना है। इस साल बड़े अच्छे अच्छे इसमें प्रोग्राम है, शायरों को इसमें सम्मान दिया जा रहा है। वी आर ऑनरिंग दी पोइट्स एंड इस साल मुझे भी ये लोग ऑनर कर रहे हैं, मुझे भी फेलिसिटेट कर रहे हैं ये। सो खजाना इज़ अ वंडरफुल प्रोग्राम। गज़ल इज़ ऑल अबाउट लिटरेचर, पोइट्री। सो गुड लिटरेचर एंड पोइट्री, एक गुड पोइट्स जो होते हैं, जो उन दिनों होते थे गालिब दाग दहलवी और बहादुर शाह जफ़र से लेकर आजकल तक, जैसे कि गुलजार साहब है, जावेद साहब है, साहिल उदयानवी साहब, सबको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। बिकॉज एक फ़नकार, गज़ल फ़नकार, शायर नहीं है तो हम नहीं हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और एक अच्छी बात है, इस बार काफ़ी यंगस्टर्स जो हैं, मुझे काफ़ी बार पूछते हैं कि देखिए गज़ल का तो क्या एक ज़माना था, अब नहीं है। प्लीज़ ख़ज़ाना 2017 में आइए, कैसे कैसे न्यू कमर्स एंड यंगस्टर्स गज़ल्स गा रहे हैं, उसके लिए जिगर चाहिए। बहुत ही कमाल का जॉनर है और कहीं ना कहीं मैं बहुत मिस करता हूँ ये जॉनर को, और बहुत अच्छा लग रहा है कि ना इस फेस्टिवल के ज़रिए उस चीज़ को रिवाइव किया जाता है, लोगों को, यंग जनरेशन को ये पता चलता है कि गज़ल गायकी है क्या। तो इसलिए मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं इसका एक हिस्सा बना हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है मुझे।